जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। बेरोजगारी देश के सम्मुख एक प्रमुख समस्या है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। वर्तमान में आई भाजपा शासनकाल में किए गए वादे सिर्फ खोखले ही साबित हुए हैं, रोजगार बढ़ाने की बजाय घट रहे हैं। प्राचीन काल में भारत के मूल निवासियों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रखा था। आज ऐसे कैडर का निर्माण की जरूरत है जो व्यक्तिगत हित को दरकिनार कर समाज हित में और संगठन की मर्यादा में रहकर लोकतांत्रिक चरित्र को समाज में पुनर्स्थापित करे, और यह महान कार्य केवल प्रशिक्षित एवं समर्पित कैडर ही पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में इसकी समझ विकसित करने के लिए बामसेप चर्चा समूह जिला अधिवेशन के माध्यम से आयोजित कर रहा है। झारखंड के बोकारो जिला अधिवेशन रविवार दिनांक 22 जुलाई को सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। देखते हैं इसकी खास रिपोर्ट। हाल ही में रविवार दिनांक 22 जुलाई 2018 को झारखंड के बोकारो जिला में बोकारो जिला अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह जिला का चौथा जिला अधिवेशन था जो दो सत्रों में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 450 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम का प्रथम सत्र प्रबोधन सत्र का था, जिसका विषय मूल निवासी भोजन समाज में बढ़ती बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार शासक वर्ग एवं कारपोरेट वर्ग रखा गया था। कार्यक्रम का प्रारंभ सर्वप्रथम झंडा तोलन के साथ हुआ, जिसमें संगठन के सारे कैडर्स ने सावधान की मुद्रा में नारा देकर आवाज को बुलंद किया तथा सामूहिक रूप से शपथ लेकर शहर में मौजूदा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा बिरसा मुंडा, इन तीनों महापुरुषों की प्रतिमा के पास जाकर आदरांजलि अर्पित की गई। पुनः सभा स्थल पर लौटकर सभा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और प्रथम सत्र प्रबोधन सत्र के रूप में शुरू हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता झारखंड बामसेप प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार इन्होंने की, और वक्ता के रूप में मूल निवासी संघ के CEC मेंबर एवं झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रभारी माननीय कृष्णा भारती, बामसेप जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर RK गौतम, बामसेप महिला सदस्य नंदिता दास ने संबोधित किया। सभा का संचालन माननीय इंजीनियर राजीव सिंह इन्होंने किया। भोजन अवकाश के तत्पश्चात द्वितीय सत्र समूह चर्चा को प्रारंभ किया गया, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के संवर्धन हेतु कैडर्स की भूमिका इस विषय पर प्रतिनिधि सत्र रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता झारखण्ड बामसेप बोकारो के जिलाध्यक्ष माननीय प्रवीण कुमार ने किया तथा प्रास्ताविक नगर इकाई बोकारो से मूल निवासी संघ के अध्यक्ष धीरज कुमार ने रखा, जिसमें सभा में आए श्रोता लोगों को 8 समूह में बांटकर सामूहिक चर्चा कराई गई। सभी समूह में एक ग्रुप लीडर ने समूह को संचालित किया और सारे समूह के ग्रुप लीडर द्वारा लोगों के विचार को मंच के माध्यम से अवगत कराया गया, और अंत में बामसेप जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार द्वारा ही कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें सभी का अच्छा प्रतिसाद मिला।